नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। देश में अग्निपथ योजनाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है। देश में एक दर्जन से ज्यादा राज्य हिंसक प्रदर्शन की चपेट में है। ट्रेनें फूकी जा रही है और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ योजनाओं पर मचे बवाल, आखिरकार देश क्यों जल रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। देश में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, ये टीओडी वापस लो और हमारे दो सालों से जो काम रुका है उसको कराया जाए। पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल की जाए हमारी, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है, सड़कों पर जाम लगा दिए गए हैं। अग्निपथ पर बवाल की आग में कैसे चल रहा है देश, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेना में 4 साल की भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार से शुरू हुई ये आग फैलती चली जा रही है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में इस योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। मैंने 3 साल एनसीसी में अपना समय बिताया है, अब 4 साल की आर्मी किस काम की है। 2020 में भर्ती हुई थी, लड़कों का डिस्पैच अटका है, ज्वाइनिंग आ गई थी एयरफोर्स की, दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ के बैठे हैं एयरफोर्स के लिए। मेरा मित्र है, अब वो टीओडी से कर दिया एयरफोर्स, बताइए वो उसमें क्या करेगा नौकरी करके। 3 साल एनसीसी की 5 साल से रेस लगा रहे हैं, 22 साल के हो गए हैं, बताइए 1 साल में क्या करेंगे हम। ना ओवर एज का कोई बेनिफिट मिल रहा है ना एनसीसी का। अब एंकर बोल रहे हैं कि 12 लाख किसके पास होता है 21 साल में। गरीब नहीं है, बेरोजगार हैं हम लोग। पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल की जाए हमारी, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। अब लोग बोल रहे हैं कि 48 लाख मिलेगा शहीद होने पर, जो नेता बोल रहे हैं अपना लड़का भेज दें आप मेरे साथ, आप हमसे ले जाइए। गरीब नहीं है हम लोग, बस बेरोजगार हैं, हमें अपने रोजगार चाहिए। हम आपसे 4 बजे हमने सर्दी नहीं देखी कभी, आप मेरे सर्टिफिकेट देख सकते हैं। 17 कैंप किया है मैंने 3 साल में, पीएससी का कैंप किया, जैसलमेर में कैंप किया मैंने, बहुत फायदे हैं। फायदे बताइए क्या फायदे। आपको पेंशन नहीं देनी है, कोई बात नहीं, बीएसएफ जैसे 60 साल की नौकरी कर दीजिए। विधायकों की पेंशन हटाओ इनकी, क्यों 50। एक बार विधायक बन जाते हैं आप उसकी भी पेंशन पाते हैं, सांसद बन जाते हैं आप उसकी भी पेंशन पाते हैं। राजनाथ जी कह रहे हैं कि आप अपनी आर्मी की तैयारी करिए, आपका लड़का तो सांसद है, कोई ऐसा एक राजनेता हो जिसका लड़का आर्मी में हो। इंग्लैंड की जो विधायक, इंग्लैंड का शाही परिवार है, उनका लड़का आर्मी में होता है। अपने यहाँ का कोई बता दे, प्रधान भी चाहता हो मेरा लड़का आर्मी में जाए, किसान और मध्यम वर्ग का ही लड़का आर्मी में जाना चाहता है। क्या नाम है? वो भी अपना बैकग्राउंड तैयार करने के लिए। गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने छपरा, गोपालगंज और केमूर में 3 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया था। शुक्रवार को भी कई जगहों पर ट्रेनों को जला देने की घटना हुई। सुपौल और आरा में ट्रेनों को फूंक दिया गया। समस्तीपुर में भी बिहार संपर्क ट्रेन की एसी बोगी में आग लगा दी गई। सर, हमने जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर नाम से जो स्कीम लॉन्च कर रखी है, इसके विरोध में दे रखा है। ये सेना को तोड़ने का काम है। टूर ऑफ ड्यूटी में चाहती है कि हर बंदा सिर्फ 4 साल के लिए जाए, जैसे कि सेना इन्हें संविधान में लगा रखी है। 4 साल बाद वो 75% को बाहर करने वाले। अब तुम 75% को बाहर कर दोगे तो बंदा जाएगा कहाँ? एक बंदा फौज में क्यों जाता है? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है उसके बाद पेंशन है। अगर वो आगे है तो उसको घर में देखने वाले पीछे से सरकार है। तुम 4 साल में उसको, अगर अभी अब युवा भर्ती होता है 21 साल में, अगर 4 साल बाद बाहर निकलेगा उसकी मान लो 25 साल होगी, फिर वो किस चीज़ की तैयारी कर सकता है? या तो उसके बाद तुम 4 साल के बाद कुछ कोटा दो, और कोटे के नाम पर क्या बोलती है कि जो राज्य सरकार है वो पुलिस में तुमको छूट देगी। अरे पुलिस की भर्ती इस बार 7 साल बाद निकल लगी है, तो कैसी छूट चाहिए हमको? हमारी ये मांग है कि टूर ऑफ ड्यूटी को वापस लिया जाए। जो आर्मी का रिटर्न इतने सालों से रोक रखा है, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग रोक रखी है, उसको दोबारा से करा जाए सुचारू रूप से। और आने वाले भाई लोग, इन भाई का अभी भर्ती की उम्र स्टार्ट हुई है, ये बेचारे 4 साल के लिए क्यों जाएंगे? ना इसमें जॉब सिक्योरिटी है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें कुछ नहीं हो सकता सर।
ये स्कीम फ्लॉप है, हर युवा विरोध कर रहा है इसका कि स्कीम को वापस दिया जाए। बस हमारा मेन मोटिव है कि हमारा 2 साल से हम लोग रुक रखे हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए, भाई लोग अपने रिटर्न के लिए। हर महीने 31 तारीख को नोटिस आ जाएगा, कोविड के कारण हम रिटर्न अभी नहीं ले पाएंगे। अगर तुम्हें यही करना था तो 2 साल हमारे क्यों बर्बाद करे, मेरी ज्वाइनिंग रुकी है एयरपोर्ट में। तुमने 2 साल पहले अगर डाल देते कि हम कैंसिल करेंगे, अगर रिटर्न वाले भाई लोगों की डाल देते कि ये कैंसिल होगा, तो आज भाई लोग रुकते तो नहीं, कुछ और देखते। सब भाइयों ने इसी में आस लगा रखी और इस सरकार ने हमारी आस तोड़ दिया। मेरी टूर ऑफ ड्यूटी वापस लो और एग्जाम कराओ आर्मी का और एयरफोर्स की, एनरोलमेंट ज्वाइनिंग दो। अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा राज्य हिंसक प्रदर्शन की चपेट में है, ट्रेनों को फूंका जा रहा है, छात्र पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। योजना के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई है। जो भारत सरकार योजना लेकर आई है अग्निपथ, उसके विरोध में सब साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस योजना का विरोध करते हैं। इस योजना से जो भारत की फौज में जो युवा हमारा जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, आज उसके सपनों के साथ में उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। 4 साल की उसकी सेवा लेकर और 4 साल बाद उसको बगैर किसी सुरक्षा के, बगैर किसी भविष्य की योजना के, पेंशन के, उसे सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाएगा। ये केवल युवा साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और आम आदमी पार्टी इस अग्निपथ योजना का पुरजोर तरीके से विरोध करती है और भारत सरकार से ये मांग करती है कि इस योजना को वापस ले और जो पुरानी जो व्यवस्था है जिसमें 15 साल 20 साल की सेवा है हमारे युवा साथियों के लिए और पेंशन है, मेडिकल सुविधाएँ हैं और बच्चों की भी मेडिकल सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं बहाल करें। और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि पिछले 2-3 साल से जो बंद पड़ी हुई है भर्ती, उनको भर्तियों को शुरू करें और उस व्यवस्था से हमारे युवा साथियों को भर्ती करें। मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या? मांगे पूरी नहीं होता, आम आदमी पार्टी पूरे देश में इस योजना के खिलाफ आंदोलन कर रही है। आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी हर जिला मुख्यालय पर अपना विरोध दर्ज करा रही है और भारत सरकार से ये मांग कर रही है कि इस योजना को तुरंत वापस ले, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। इतनी हठधर्मिता ठीक नहीं है, ना तो सदन में कोई डिस्कशन किया गया इस योजना को लेकर आने से पहले, ना कोई ऐसी संसद या कोई समिति का निर्माण किया गया जिससे ये तय हो सके कि ये इतनी अच्छी योजना है। अगर ये इतनी अच्छी योजना है तो केवल जवान के लिए क्यों, केवल सिपाही के लिए क्यों, अफसर के लिए क्यों नहीं? अगर ये इतनी अच्छी है तो अफसरों के लिए भी लेकर आई है योजना। अफसर करेगा 30 साल, जवान करेगा हमारा 4 साल और फिर रोड पर खुला घूमेगा? ये बिल्कुल अन्याय है युवा साथियों के साथ में। सेना में 4 साल भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार से शुरू हुई ये आग देश के कई राज्यों में फैल गई है। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ राजस्थान के कई हिस्सों में युवाओं का विरोध प्रदर्शन शनिवार को 4th दिन भी जारी रहा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अलवर जिले में जयपुर दिल्ली राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। पुलिस के अनुसार जब पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारी युवाओं को तितर बितर करने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने बस के शीशे ही तोड़ दिए। केंद्र की योजना का विरोध कर रहे युवा बहरोड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा हो गए और मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। पुलिस ने कहा कि राजमार्ग करीब 15 मिनट तक अवरुद्ध रहा और उसके बाद पुलिस कर्मियों ने भीड़ को तितर बितर किया। इसी तरह का प्रदर्शन झुंझुनू में भी हुआ जहाँ प्रदर्शनकारियों ने चिढ़ावा में एक सड़क मार्ग और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। देखिए, जो अग्निपथ नाम से कानून लाए हैं, केंद्र सरकार जो लाई है, उसके विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने यह आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश में सभी मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारियों ज्ञापन सौंपा जाएगा। और हमारी मांग ये है कि ये जो कानून लाए हैं 4 साल में मिलिट्री के जवान को रिटायर कर दिया जाएगा, उसकी मांग को जो कानून है उसको ख़त्म किया जाए तत्काल, जिससे कि 3 साल से रोजगार बिल्कुल युवाओं को मिला नहीं है, युवा रोजगार परेशान है। अब ये नया कानून लिया है, चुनाव सिर पे हैं कि 4 साल की नौकरी देंगे और उसके बाद युवा घर लौट जाएगा, कहाँ जाएगा, आत्महत्या करेगा, परेशान हो जाएगा। उसी की मांग को लेकर ये राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि ये कानून वापसी होना चाहिए, युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है।
केंद्र सरकार के सैन्य बलों में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना पर देश के अनेक हिस्सों में मचे बवाल के बीच रेलवे ने रांची मंडल की 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया। इसके अलावा कई अन्य ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित करने पड़े हैं। पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे के क्षेत्र में छात्र आंदोलन के कारण रांची रेल मंडल से परिचालित 12 ट्रेनों को अब तक रद्द किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य ट्रेनों के बारे में परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपद्रव के चलते कई ट्रेन के मार्ग को भी परिवर्तित कर दिया गया है। अलर्ट विद समुंदर में समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।